तो दोस्तों को समझे मुझे ना बहुत डर लगने लगा। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वज्ञा, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत और इस वाह के करीब 10 बजे से, और मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। आराध्या पढ़ाई करने लग गई है। आराध्या हाय, पढ़ाई कर रही है। हम स्कूल नहीं जाए, स्कूल नहीं कतर दो। क्या क्या लिखू तेरु, होमवर्क होमवर्क है ये न, क्या तेरे बनाए टेढ़ा मेढ़ा। अम्मू की किताब और अम्मू और अम्मू का लगा रखा है, बना रखा ऊपर जूड़ा है ना आराज। तो आराज एक पढ़ेगी मतलब किताब देखे। आराध्या अम्मू एंड रोमन तो आराम से बैठे हैं, बस आराध्या अम्मू की किताब फाड़ने पर लगी है, और मैंने सोचा तब तक चुपके से निकाल लूँ क्योंकि वरना रोएगी आराध्या। तो चलो चलती हूँ मैं घास के लिए, और आज इस रास्ते से जाऊँगी मैं आज घास के लिए। तो मैंने जाना है वहाँ, तो दिखा देती हूँ मैं एक बार आप लोगों को। और यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पेड़ आगे है, और थोड़े नीचे से दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भीमल का पेड़ दिखाई दे रहा है, और इस मतलब इस मकान के नीचे भीमल का पेड़ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर जाना है मैंने घास के लिए। तो चलो, तो ये है दादी और उनका घर, और ये ही है हमारे अपनी मतलब जो हमारी खास है। चाचा वो रो रहा है, अरे चाचा रो रहा है। तो पहुँच गई हूँ मैं खेत में, अब निकालती हूँ मैं घास, और तब दोस्तों उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। घास निकालना स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों का समझे मुझे ना बहुत डर लगने लगा है क्योंकि यहाँ पर ना सांप है कसम से। तो दोस्तों कसम से ना ऐसा बना है ना उसका फेरा जैसे कि बहुत डर लग रहा है कसम से। एक पत्ते की मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा ही है, और मैं घास निकाल रही थी वहाँ पर, देखे वहाँ का घास निकाल रखा है मैंने। और उसके बाद देखा मैंने ऊपर वो ऐसे लिपटा हुआ, और वो तो भाग भी नहीं रहा था मेरी आवाज़ सुन के, और मुझे तो लग रहा है बहुत डर। और मैं कैसे निकालूँगी घास अब, भगवान एक कैसा मिल गया मेरे को यहाँ पर। तो दोस्तों कसम से बहुत डर लग रहा है मुझे, अब क्या करूँ। तो दोस्तों डर लगने लगा है, बच गई आ तो थोड़ा ही थोड़ा बची मैं उससे कसम से, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता है। उसके नीचे से घास निकाले मैंने, और देखो मैंने ऐसे ऊपर के वो ऐसे करके लिपटा हुए वहाँ पर। तो कैसे निकालूँ मैं घास का समझे मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अभी वो वहीं पर है, और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, कोई और होता मेरे साथ तो उतना डर नहीं लगता क्योंकि मैं अकेली हूँ, और मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लग रही। और अभी वो दूसरी साथ, मैं किसी बार घास निकाल रही हूँ किसी में पीछे देख रहा हूँ, मतलब घास निकाल रही हूँ पीछे देख, एक मुँह निकाल रही हूँ पीछे देख रहा हूँ, फिर दूसरे मुँह निकाल रही हूँ फिर पीछे देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कसम से। तो अभी तो चला गया है वो सांप, लेकिन मेरे को पता नहीं है कहाँ गया है, कहीं घास के बीच ना चले जाए। और कसम से ना थोड़ी देर पहले तो उतनी डर नहीं लग रही थी क्योंकि वो था ही अपने जगह पे दिख रहा था, लेकिन अब दिख नहीं रहा और बहुत डर लग रही है कहीं घास के बीच ना चला गया हो मेरे भी, और जो निकालना बाकी है उसके बीच में कसम से। अब क्या करूँ मैं, ये तो बहुत डर लग रहा है। और सांप तो पता नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा होगा, तो छोटा ही हो लेकिन वीडियो पे दिख रहा है उससे पतला है, लेकिन मेरे को
बार बहुत ज़्यादा लग रहा है, अपने आगे पीछे देख रही हूँ बार बार। यहीं बगल में आवाज़ दी दादी जी को कि यहाँ पर सांप है, दादी जी बोल रही है पत्थर की मार, तो कैसे मारूँ मैं पत्थर की। तो दोस्तों अभी तो वो चला गया है और डर ना अब मुझे है ना पहले से ज़्यादा लगने लगा है, क्योंकि वो कहीं घास के बीच में चला गया। उसके साथ होता है ऐसा कि मतलब कुछ चीज़ दिखने पर ना ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ मेरे आगे ही पीछे घूम रही हो, चाहे वो कितना दूर चला गया होगा साइड से, लेकिन फिर भी हर किसी को लगता है डर की कहीं यहीं पर ना हो। तो वैसे ही वाली फीलिंग मेरे को भी आ रही है, कहीं वो मेरे हाथ में ना आ जाए, कहीं वो मेरे घास के बीच ना चला जाए, वो ऐसी फीलिंग्स अभी मेरे को भी आ रही है, क्या करें। तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अब धूप भी लगने लग गई है और धूप में जो कि सांप ज़्यादा आते हैं, अभी ठंड के मारे तो वो वहाँ पर चिपक रखा था और अभी धूप जिस साइड धूप होगी उसी साइड आएगा वो, और वहाँ तो धूप आई नहीं है। तो ऐसी वाली फीलिंग मेरे ज़्यादा आ रही है कि कहीं यहीं ना आ जाए वो अभी। तो क्या करें दोस्तों, डर लग रहा है। तो हम ये देख के, ये क्या है आप लोग बता सकते हैं ये क्या है? तो दोस्तों इतना तो निकाल लिया मैंने, मतलब एक फड़के का तो निकाल लिया है, और वैसे तो मैं ऊपर वाला भी निकालती थी लेकिन वहाँ मुझे डर लग रहा है और दूसरे ही दिन देखूँगी वहाँ का, तो वहाँ का तो दूसरे दिन निकालूंगी और आज मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है ऊपर जाने में कहीं सांप हो ही ना हो। तो कोई नहीं, दूसरे दिन निकालूंगी और अभी तो घर चलती हूँ। तो वहाँ से निकाल लिया है मैंने यहाँ के नीचे नीचे और वहाँ तक, तो इतना हुआ मेरा घास, तो निकालती हूँ मैं अब घर। घर और आरती भी उठ गई है और अभी तक सोई थी और अभी फिर से नींद आ रही। अरे आ रहा देखो नींद में। तो अब खाते हैं हम खाना, आरती हमें बच्चे हैं खाना खाने के, उठ खाना खाओ। तो अब खाते हैं हम दोनों बाप खाना, मेरा बाबू खाएगा खाना है ना, मेरा बाबू का चाकू भी यहाँ चला रखा, कहाँ कहाँ फेंकती है इसे और कहाँ नहीं फेंकती है, गंदी बच्ची गले में देखो अभी निकालेगी, हाँ निकालेगी उसे, ये गंदी बच्ची है देखो गंदी है तू या, या, या। तो अब हम दोनों खाना खाते हैं ना आज। तो अभी तक मैं ना आराध्य का वेट कर रही थी उठने का, जब आराध्य उठेगी तभी खाएंगे हम आज खाना। तो उठ गई है, अब खाते हैं खाना है ना। तो देखे देवर जी लेके गए है अपने घर आराध्य को, बिल्कुल गुंगी में चढ़ा रखा है उसे बेचारी को। तो दोस्तों ये लोग तो आराम से बैठे हैं नीचे और मेरी नानी जी आ रखी है। तो आराध्य तो चली गई अपने चाचा के साथ, वहाँ अपने चाचा और रुकी है और अभी तक मैंने एक दो रील्स बनाई इंस्टाग्राम में और अब मैंने इंस्टाग्राम पे बार मतलब कि रील्स बनाते समय कुछ इस तरह से चोटी बनाई थी और छेमी भी उठा ली है मैंने क्योंकि धूप सेकने डाल रखी थी। और तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बग्या मिलती हूँ आपको अपनी अगली नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।